सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर ब्रीफिंग दी। असला मर्जी के खिलाफ आ जाए तो उनको टारगेट कर देता है और इल्जाम फिर दूसरों पर लगा देता है। बड़े बड़े चालाक देखे हैं लेकिन ऐसा होशियार चालाक नहीं देखा जैसा कि इमरान खान है। लेकिन आप देखें कुदरत उसे कैसे एक्सपोज कर रही है। हर वो चीज़ जो उन्होंने थूकी है वो चाटनी पड़ रही है। आप लोगों की पगड़ियाँ उछालेंगे, बोहतान लगाएंगे, गंदे खुद होंगे। ये नहीं हो सकता कि फितरत आपको एक्सपोज न करे। आप एक्सपोज होंगे तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये गैर मुल्की सरमायाकारी इमरान खान पे क्यों की गई है, किस एजेंडे की तकमील के लिए की गई है? आप तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए आए थे। इमरान खान के अंजाम तक फोन फंडिंग पर बात होती रहेगी। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरों के ताने देने वालों ने खुद अकाउंट छुपाए। बताया जाए बाहर से पैसे देने वालों का क्या एजेंडा था। इमरान नियाजी को जब भी मौका मिला उन्होंने आईन तोड़ा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को तबाही के धामे पर पहुंचाया। नवाज शरीफ और फोन फंडिंग केस में फर्क है। फोन फंडिंग केस दफन हो गया और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। शेख रशीद अहमद का ट्वीट, अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेले, जो IMF से कर्जा भी न ले सके उनकी खाफ कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। DGI SPR के ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया कि हादसे में तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के अलावा 5 अफसरान और जवान भी सवार थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। टोल टैक्स में इजाफा नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स के दूसरे रोज भी हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है हुकूमत की जानिब से एक सीट पर 300 रुपये से बढ़ाकर 4000 और 8000 रुपये टैक्स हाइक कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को आसान बनाया जाए। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगा दिए हैं। टोकन टैक्स भी बढ़ा दिए गए हैं और टूल प्लाजा भी बढ़ा दिए गए हैं और जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं। अब जो किराए चल रहे हैं वो हमारे बारे नहीं आते, इसलिए हमने ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया। जो कमाते हैं वो शाम को तेल डाल देते हैं, गाड़ी का पूरा हो जाता है और इसलिए ट्रांसपोर्ट हमने बंद की हुई है कि अगर ज़्यादा किराया बढ़ा के लेते हैं तो गवर्नमेंट चलान करती है। हुकूमत से मुतालबा है कि ये टैक्स टोकन टैक्स को जो लगाया इन्होंने ये वापस लिया जाए और हमारा मुतालबा पूरा किया जाए और हम पहिया जामर डाल।
हुकूमत पीटीआई और इमरान खान पर पाबंदी लगाने का तय करेगी वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी देखा जाएगा कि पार्टी के दीगर अरकान भी नाअहल होंगे या नहीं। पीटीआई चेयरमैन पर हकायक छुपाने पर ताहयात पाबंदी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच मामले की समाअत करे। तहसील अलीपुर के कई गांव में सैलाबी पानी से इलाका मकीन तबाही के दहाने पर। हालिया बारिशों और सैलाबी पानी की वजह से सुपरबंद कंदराला को बड़े शगाफ पड़ गए। महकमा इरीगेशन की जानब से इकदाम न होने के बराबर। उम्मत मुसलमा के लिए बड़ी खुशखबरी, खाना काबा के गिर्द अरसा 3 साल से लगी दीवार को हटा दिया गया। अब जायरीन खाना काबा के साथ साथ हिजराए अस्वद को भी बोसा दे सकेंगे। जायरीन में खुशी की लहर दौड़ गई। सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इकदाम पर जायरीन का सऊदी हुकूमत को खराज तहसीन। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सों की भरमार की वजह से चौक सर्वर शहीद के दुकानदार हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। दुकानदार का कहना, 20 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 15,000 रुपए का बिल भेज दिया, हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि मेहरबानी करके ये जो बिजली के बिल नए आ रहे हैं, जून के बिल जो हैं जुलाई के, इनमें अजाफी टैक्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। गरीब दुकानदार जो है वो 6,000 टैक्स और बिल डाल के 14-15,000 कैसे पे करेगा। हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि बिजली के बिल में जो ये गैर इजाफी जो टैक्स लगाए गए हैं वो फिल फोर वापस लिए जाएं। गरीब आदमी बहुत परेशान है इन टैक्स की वजह से। जी जैसा कि गवर्नमेंट ने इजाफी बिलों में जो टैक्स लगाया, इस पर हम इत्तजाज करते हैं कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और हमें रिलीज दिया जाए, और जैसे पहले बिल आते हैं ऐसे बिल आने चाहिए। शहीदों और गाजियों की धरती जहलम की तहसील पिंडादन खान का एक और जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। इलाका अमलिया का अली शहजाद सियाचन में दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हुआ। अली शहीद की नमाज जनाजा मलियार में अदा कर दी गई। नवाबशाह की तहसील दौड़ में 10 साल कब्ल कायम की जाने वाली लाइब्रेरी ताहाल फंक्शनल ना हो सकी। मुकामी बाशऊर लोगों का लाइब्रेरी को फौरी तौर पर फंक्शनल करने का मुतालबा। और सांगर 2013 के एनटीएस पास उस्ताद का अपने मुतालबात के लिए प्रेस क्लब के सामने मर्द और खातिन का एहतजाजी मुजाहरा। उस्तादजा ने मीडिया को बताया कि जिला सांगर के 400 से जायद उस्ताद एनटीएस पास टेस्ट में 60 से 70 मार्क्स से पास कर चुके, उसके बावजूद हमें ऑफर ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। सर हमारा यही मुतालबा है सर, 2013 वालों को अभी तक जो है रुलाया जा रहा है, और अभी जो 2021-22 में जो आईबीए के तहत टेस्ट हुए हैं उनको जो है 60 वालों को 40 पे लेके आके भी उनको जो नवाजा जा रहा है। और जाहिर बात है ये जो स्पेशल रियायत दी गई किसी खास लोगों को, मंजूर नज़रों को उन्होंने नवाजने के लिए की है। 13 एनटीएस पास उम्मीदवार है, 60 से 97+ हमारी मार्क्स हैं। हम धूप में खड़े, हम 8 मरतबा पहले भी कर चुके प्रोटेस्ट, कराची तक कर चुके। सरदार शाह हर मरतबा हमें यही बोलता है कि ठीक है आपको ऑफर आर्डर जारी किए जाएंगे। जब हमारी पूरी कमेटी यहाँ से तैयार होकर हमारी फाइलें लेकर वहाँ पहुँचती है तो वो फिर आगे से बोल देते कि नहीं, हमने एनटीएस पास 2013 वालों को किसी भी हालत में नहीं देने। We'll be right back.